वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बस इसी तरीके से अपने देश की सेवा करते रहिए, अपने देश से प्यार करते रहिए और हमारे हीरोज को हमेशा याद रखिए। इस वीडियो में मैं आपको जो मूवीज बताने वाला हूँ, शायद ये मूवीज आपने ऑलरेडी देख रखी हो, मगर यकीन मानो गुरु, कल जब आप इन मूवीज को दोबारा से देखोगे तो आपको ये मूवीज और भी ज्यादा पसंद आएगी। तो उससे मेरा क्या फायदा? तो ये मत सोचना कि ये मूवीज हम पहले देख चुके हैं। बस इंजॉय करो मेरी वीडियो को और इन मूवीज को, ज्यादा माइंड पे जोर मत डालो यार। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आती है द टुमारो वॉर। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन और थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि कुछ लोग फ्यूचर से आते हैं पास्ट में अपना आने वाले फ्यूचर बचाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में दूसरी दुनिया से बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं पृथ्वी पर और वो इंसानों को मारने लगते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इंसानों को खत्म कर देते हैं इस पृथ्वी से। अब ये सब इंसान मिलकर अपना फ्यूचर कैसे बचाएंगे तो तुमको इस मूवी को देखने के बाद ही पता लगेगा। तो जरूर जाके देखना इस मूवी को, अच्छी मूवी है। नंबर 4 पर आती है 300। ये एक एक्शन और ड्रामा मूवी है और ये मूवी आई थी सन 2006 में, मगर मुझे आज भी इस मूवी का एक्शन बहुत ज्यादा पसंद आता है जब भी मैं इस मूवी को देखता हूँ। और इस मूवी की स्टोरी है कि एक राजा अपने राज्य को बचाने के लिए 300 सैनिकों को लेकर जाता है 100,000 सैनिकों से लड़ने के लिए, और वो 300 सैनिक क्या कमाल करते हैं भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। तो जाके जरूर देखना, और जिसने ये मूवी पहले से देख रखी है वो भी एक बार दोबारा देख लेना यार, अच्छी मूवी है, तुम्हें जरूर देखनी चाहिए दोबारा से। और नंबर 3 पर आती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ मुझे पता है ये मूवी आप सभी लोगों ने देख रखी होगी, मगर एक बार पूरी फैमिली के साथ फिर से देखना इस मूवी को, मजा आएगा तुमको पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देखने में। भले आपने इस मूवी को कितनी बार भी देख रखा हो, मगर फैमिली के साथ जब भी देखोगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें, यकीन मानो गुरु मिलेगा। तो जाके जरूर देखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मूवी नंबर 3 पर क्या कर रही है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि भाई ये एक रियल घटना पर आधारित है, और ये मूवी जब आई थी ना, मतलब इस मूवी को इतना ज्यादा पसंद करा था लोगों ने, मैंने खुद इस मूवी को 2 बार देखा था। तो जाके जरूर देख लेना उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ देखोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा देखने में, तो जाके देख लेना। और नंबर 2 पर आती है इंडिपेंडेंस डे। ये एक एक्शन और साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी को आप सभी ने अपने बचपन में जरूर देखा होगा या बड़े होकर देखा होगा कभी ना कभी, क्योंकि ये मूवी 90s की बेस्ट मूवीज की लिस्ट में आती है। अब जिसने भी इस मूवी को पहले से देख रखा है उसे तो पता ही होगा कितनी अच्छी मूवी है। तो आप भी इस मूवी को एक बार जरूर देखना, क्योंकि कुछ जवान अपने देश को कैसे बचाते हैं एलियन से, ये तुम्हें देखने को मिलेगा इस मूवी में। मूवी की स्टोरी क्या है आप सभी लोगों को पता ही है, मगर आपकी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए थोड़ा सा बता देता हूं। जब देश में इंडिपेंडेंस डे को सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो दूर स्पेस से एक स्पेसशिप आती है जिसमें से एलियन आते हैं और इंसानों को मारने लगते हैं। तो जाके जरूर देख लेना, इसलिए अच्छी लगेगी तुम्हें मूवी। और इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 ज्यादा अच्छा लगा मुझे, पार्ट 2 भी अच्छा है, मगर पार्ट 1 बेस्ट था। नंबर 1 पर मूवी आती है सैम बहादुर। अब गुरु इस मूवी का मैं क्या ही रिव्यू दूंगा, क्योंकि ये मूवी मैंने अभी तक खुद नहीं देखी। भाई लोगों मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सी मूवी देखनी इंडिपेंडेंस डे को, सैम बहादुर। और आप लोग भी डिसाइड कर लो आप लोगों को इन 5ों में से कौन सी मूवी देखनी चाहिए। तो जल्दी जाओ और देखो, और देख के कमेंट जरूर कर देना कि आपने कौन सी मूवी देखी है। तो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा कौन सी मूवी पसंद करता है। तो चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय।